से कम 8 घंटा हमने याद छोड़ा। बहुत सुंदर दिनचर्या बाबा ने हम सबकी बनाई, 24 घंटे में 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए, नींद है, भोजन है, स्नान है, और 8 घंटा बाबा की याद में रहकर बाबा की सेवा करो। तो ये 3 भागों में हमने साकार बाबा के महावाक्यों में अपनी दिनचर्या सेट की, लेकिन उसके बाद जब बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए, अव्यक्त बने, तो इस बात को बहुत यथार्थ विधि से हम सबके सामने रखा है। अगर बच्चे तुम 8 घंटे या 6 घंटे बाबा को याद करते हो, तो बाकी समय किसको याद करते हो? इसलिए आप बच्चों को निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनना है। और निरंतर योग के लिए केवल हम कहें तो बीज रूप पावरफुल ज्वालामुखी योग में रहते हैं तो वो भी एक कल्पना हो जाएगी, क्योंकि कर्मयोगी हैं, बहुत सारे कार्य व्यवहार में हम सब आते हैं, और कर्म करते हुए बाबा की याद रहे उसके लिए कुछ अलग अलग विधियाँ अपनानी पड़ती हैं। मैं योग की आपको 4 विधियाँ बताता हूँ जिनसे आप सहज निरंतर योगी बन सकते हैं। एक है जो कुछ हम बाबा की ज्ञान की बातें सुनते हैं, उन बातों में रमन करना, उनका मनन करना, चिंतन करना, उनका वर्णन करना। 3 स्टेजेज हैं इसके अंदर। एक है सिर्फ वर्णन करना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का वर्णन करना सीख जाते हैं, जो कुछ बाबा से सुना दूसरों को सुनाने लगते हैं। लेकिन बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस ज्ञान का मनन और मंथन करें, क्योंकि मंथन के बिना मक्खन नहीं निकलता, और अगर मक्खन नहीं निकलता है तो ताकत नहीं आती, मक्खन के बिना ताकत नहीं आती। इसलिए आवश्यकता है कि हम ज्ञान का हिस्सा मन चिंतन करें, उस पर मंथन करें, विचार सागर मंथन करें, तो कुछ ज्ञान का एसेंस प्राप्त हो, मंथन करके मक्खन निकले और उसको हजम करके शक्ति साधन। और 3री स्टेज इसमें आती है मग्न हो जाना, लवलीन हो जाना। वर्णन, मंथन और मग्न स्थिति। कई बाबा के बच्चे अभ्यास करते करते प्यार के सागर में लवलीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, और वो मग्न स्थिति हमारे विकर्मों को विनाश करती है, संस्कारों को परिवर्तन करती है। अगर केवल हम मंथन और वर्णन करते हैं तो संस्कार परिवर्तन नहीं होता।